हाय गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त मेरे साथ में तमाम लोग जुड़े हुए हैं। ये हमारे मोहल्ले में एक मैटर लड़ाई झगड़े का हो गया था, इसका कई दिनों से प्रकरण चल रहा था, थाना पुलिस भी इसमें हुआ है। तो आपस में मेहनत करने के बाद में सभी लोगों का सुलह समझौता एक करा दिया गया है, जिसमें दोनों पक्ष के लोग मेरे साथ में हैं और दोनों पक्ष ही बगैर किसी जोर दबाव के राजी है। सुलहनामा इन लोगों का लिख दिया जाएगा अभी कुछ ही देर में, और दोनों पक्षों की सहमति से ही सुलहनामा लिखा जा रहा है बगैर किसी जोर दबाव के। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त आपस में कुछ पक्षों में विवाद हो गया था, इस विवाद का एक सुलह समझौता हमारे द्वारा लिखा गया है। इसी सुलह समझौता के सिलसिले में ये लोग सब लोग आए हैं और दोनों पक्षों को सुलह समझौता करा दिया गया है, और आशा करते हैं कि दोनों पक्ष अब एक दूसरे से कोई भी लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद नहीं करेंगे। गाइस देख रहे हैं कि एक तहरीर है, इस पे तहरीर पे दोनों पक्ष अपना जो है साइन अंगूठा कर रहे हैं, और ये काफी लोग खड़े हैं। जो सुलह नामे में कोई गवाह है, कोई मुद्दई है, आप सब लोग देख रहे हैं, और ये नजारा बड़ा दिलचस्प है कि दो पक्ष आपस में राजी और खुशी खुशी सुलह को मंजूर कर रहे हैं। सुलह समझौता की पूरी तैयारी हो चुकी है और लगभग सुलह समझौता हो चुका है, अब इन लोगों का आपस में मिलन कराना बाकी है। आज मेरे छोटे भाई आरिफ ये इसके मेन भूमिका निभा रहे हैं सुलह की, इनका बहुत बहुत थैंक यू और बधाई हो इनको। दोस्तों ये सुलहनामा है, आपस में सुलहनामा लिख दिया गया है कि दोनों पक्ष आपस में कोई किसी तरीके का वाद विवाद अगर होगा तो घर में जो बड़े गार्जियंस लोग हैं उनसे पहले सलाह मशवरा होगी, उसके बाद में ही कोई एक्शन या रिएक्शन होगा। दोनों पक्ष राजी हैं और राजी खुशी में आपस में गले मिल रहे हैं कि कोई भी वाद विवाद अब नहीं होगा और किसी तरीके का कोई भी अब लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं रहा है। मैं भी यही आशा करता हूं कि आपस में सब लोग मिलजुल के रहें और खुश रहें। अब आपस में कोई झगड़ा तो रहे नहीं आप लोगों, सब लोग खुश हैं, बाहर भी ऑडियंस खड़े हैं भाई। कुछ नहीं है।